एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक डिवाई में स्थित पेसरी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 22 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 70 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने आरिफ अब्बास को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2000 की आबादी एवं 800 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 432 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 हैंडपंप रिपेयर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 40 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 30 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पुस्तकालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पुत्र पेसरी, ब्लॉक डिवाई, जिला बुलंदशहर। हमने अभी तक 30 गलियां इंटरलॉकिंग करा दी हैं, कम समथिंग 75 पेंशनों का निर्माण भी करा दिया है, बनवा दिए हैं, और 9 समाजवादी लोहिया आवास, 4 प्रधानमंत्री आवास भी बनवा दिए हैं। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और जो बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पढ़ने में, तो हमने उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया है। गांव में बिजली की व्यवस्था भी कराई है, जो खम्भे टूट गए थे कुछ लोग मतलब जी से गहलवा करके नए पोल भी लगवाए, जिससे मतलब गांव की व्यवस्था भंग ना हो। और कई जहां पर नाले भी ख़राब थे, जहां पर पानी निकलने की व्यवस्था सही नहीं थी, वहां पर हमने नए नए नालों का निर्माण भी किया है। कई सड़कें टूटी हुई थी जो मतलब उनकी रिपेयरिंग कराई गई है, और ग्राम पंचायत की ज़मीन पर, तालाबों पर, सड़कों के किनारे पर नए नए पौधों का वृक्षारोपण भी किया है, जिससे कि जंगली पशु उनकी छाव में आकर के बैठ सकें, जिससे कि हमारा एनवायरमेंटल भी अच्छा रहे। और आगे के लिए हम अपनी पंचायत के लिए कई मांग भी कर रहे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत में एक सामुदायिक भवन, हम यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, जिससे कि गरीब लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। इसमें आज तक अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैंने जी साहब से खुद कहा है, प्रार्थना की है कि सर गांव के अंदर लाइट की व्यवस्था की जाए, पर कोई भी लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। मैंने लखनऊ भी 19 बार पे कॉल की, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला, लेकिन उस सुनवाई उसकी खबर का कोई भी सुनवाई नहीं अभी तक। पहले उस गांव में 11,000 की लाइट थी, उसकी वजह से कई हानियाँ हुई, जिससे 11,000 की लाइट बंद करा दी गई थी। अब हम ये चाहते हैं कि NTPC की लाइट हो जाए, तो पूरे गाँव में कोई खतरा ना। मैंने एसडीएम साहब के सामने जाकर, अपनी माताजी को ले जाकर, अभी तक मैंने कई बार एप्लीकेशन लगाई है कि ग्राम पंचायत पेसरी में टीचरों की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनका फ्यूचर खराब होता जा रहा है। एप्लीकेशन लग जाती है, उसका रिजल्ट कोई भी नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ कोई टीचर आ रहा है। मात्र एक टीचर है और 200 बच्चे मेरी पंचायत के अंदर हैं। अब एक टीचर आते हैं वो अपने रजिस्टर में ले जाते हैं, क्या पढ़ा सकते हैं वो। मैंने 2-3 बार लगा दी, यही बोलते हैं कि टीचर की व्यवस्था होगी तो हम जरूर करेंगे। प्रधान का मानदेय 2500 था, इससे पहले समाजवादी सरकार ने 2500 से बढ़ा करके मानदेय 3500 कर दिया है, लेकिन आज के प्रेजेंट में प्रधान का खर्चा देखते हुए 3500 से तो प्रधान का कुछ भी नहीं होने वाला। ब्लॉक का आने का और जाने का खर्चा ही बहुत बैठता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्रधान का मानदेय कम से कम 10,000 पर मंथ का कर दें, जिससे कि ग्राम प्रधान अपना खर्चा अच्छी तरह से चला सके।